आज की वीडियो जो है वो आधारित है आपके हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या समस्या हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल क्यों आता है, आपको अगर बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए ताकि ये कम हो जाए और हमारी जो लाइफ स्टाइल है पहले से अच्छी हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ आपको एक्चुअली। ठीक है, सो हेलो, मेरा नाम है राकेश कुमार सिंह और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं क्या है स्पेशल आज की वीडियो में ऐसा जो कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आधारित है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जो दिल से लेकर के दिमाग हर तरह प्रॉब्लम करती है एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के सिर्फ चार पांच मेन रीजन होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला रीजन है वो हमारी खान पान होती है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका मोटापा हो गया, तीसरा हो गया एक्सरसाइज ना करना, चौथा हो गया आपका शराब एल्कोहल पीना, पांचवा हो गया खराब लाइफ स्टाइल। पांच ऐसे जो कारण हैं जिनसे कि आपको कोलेस्ट्रॉल होता है एक्चुअली। सो कोलेस्ट्रॉल का जो सबसे पहला सिम्टम्स है या फिर लक्षण जो आपको दिखाई देता है, आपकी जो पूरी बॉडी है ना हल्की सी येलो नजर आने लगती है, और बॉडी पे कहीं भी देखेंगे तो पीले पीले चकत्ते जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब पीला पीला कहीं पे दाग जैसा पड़ना शुरू हो जाता है पूरे बॉडी में। तो समझ जाइए कि इंसान को कोलेस्ट्रॉल है एक्चुअली। ये था इसका पहला लक्षण जो कि हर किसी को दिख जाता है एक्चुअली। दूसरा जो सिम्टम्स लक्षण जो आपको दिखाई देता है, आपकी जो छाती है, छाती के आसपास हमेशा दर्द रहेगा, सीने में दर्द रहेगा एक्चुअली लंबे समय तक। अगर ऐसा महसूस हो कि नहीं मेरे सीने में दर्द है, छाती में दर्द है, तो आप समझ जाइए आपको कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है एक्चुअली, तो चेकअप कराने की जरूरत है। तो ये था दूसरा लक्षण एक्चुअली, सीने के आसपास आपको दर्द होता रहेगा हमेशा। तीसरा लक्षण है शरीर में मोटापा ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को देखा होगा दुबले पतले रहते हैं और अचानक से वो मोटे हो गए। मोटे होने, अगर आप मोटे हो रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को फिट मानिए। ठीक है, मोटापा दो तरह का होता है, एक तो होता है कि ओरिजिनल मोटापा, ठीक है, एक्सरसाइज किया, जिम किया, अच्छे से खान पान खाया, जो भी अनवांटेड फैट था उसको कम किया, तो वो हो गया आपका हेल्दी मोटापा। मोटापे का मतलब यह है कि आपकी जो वेट है और हाइट है उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है आपका बीएमआई। मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है आपका, मोटापा बढ़ने का एक कारण ये भी होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया इसलिए मोटापा बढ़ गया। ठीक है, या फिर मोटापा बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, ये दोनों वायस वर्सा होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा आपका वजन बढ़ रहा है तो आप समझिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उसको जाकर के एक बार चेक कराइए एक्चुअली। अगर इंसान को बार बार पसीना आ रहा है, पसीना आने का मतलब है गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हमेशा उसको 24 घंटे पसीना पसीना आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अगर पसीना आ रहा है तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। लास्ट सिम्टम है वो है आपका पैरों में हमेशा ठंडापन महसूस होना, या फिर जो पैरों का तलवे होते हैं, पैर के तलवे बेसिकली आपके येलो कलर के हल्के से नजर आएंगे, पीला जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो वो ठंडा रहेगा या तो हल्का सा पीला नजर आएगा। तो ये लक्षण थे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के। अगर इनमें से कोई एक भी लक्षण आपको है तो कोशिश कीजिए जा करके अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराइए। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो अपने खान पान में सुधार कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार कीजिए, और वॉकिंग एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं आपके एज के अकॉर्डिंग वो कीजिए ताकि आप फिट रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही गंभीर समस्या है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को देखा होगा हार्ट अटैक की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ट की जो बीमारियां होती है ना ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट के अंदर जो भी आपकी वेन्स आर्टरी है धीरे धीरे उनमें वसा जमा होना, फैट जमा होना शुरू हो गया, बाद में खून आर पार जाना बंद हो गया, दिल को खून नहीं पहुंचा, गए काम से, तो क्यों जानते हुए भी अनजान बनना। तो कोशिश कीजिए दिन भर में अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप ऑफिस में ऐसे बैठे हुए हैं एक जगह, तो थोड़ा सा वॉकिंग एक्सरसाइज कीजिए, ऑफिस में भी जगह रहती है घूमने फिरने की, एक दो राउंड लगा लिया कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।